स्टार्ट करते हैं वेक्टर पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, ए वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर सच डेट ए डॉट बी एंड इक्वल टू ए डॉट सी इक्वल टू जीरो एंड एंगल बिटवीन बी एंड सी इज पाई बाय सिक्स। देन प्रूव डैट ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस टू टाइम्स ऑफ बी क्रॉस। ठीक है जी, ए बी सी हमें क्या गिवेन है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, देखो सेंस A vector, B vector and C vector are unit vector. अगर ये unit vector है तो इन तीनों का magnitude कितना होगा, 1 होगा। ठीक है जी, उसके बाद आपको given है A dot C is equal to 0 और A dot B is equal to 0। मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, एक ही बात है, ए डॉट सी इक्वल टू जीरो और ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, दो चीजें देखी मैंने हमें। ठीक है, अब क्योंकि ए बी सी का मैग्नीट्यूड वन है तो जीरो वेक्टर तो हो नहीं सकते, तो इसका मतलब यहां से ए आ गया परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर और ए आ गया परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड, बाई इक्वेशन वन एंड टू क्या कंक्लूजन लिखना है, यहां से ए परपेंडिकुलर सी के बी और बी के बी, इसका मतलब ए परपेंडिकुलर हो गया बोथ B वेक्टर एंड C वेक्टर, A परपेंडिकुलर हो गया B और C दोनों के। अब देखो कोई वेक्टर अगर दोनों के परपेंडिकुलर होता है तो वो वेक्टर उनके क्रॉस के डायरेक्शन में होता है, क्योंकि देखो हमने पढ़ा है कि अगर ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है तो A क्रॉस B की डायरेक्शन क्या होती है, उन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो जो A वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है, अगर B और C के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब वेक्टर यहां पे हो सकता है कहीं भी। ठीक है जी, आरिवासन में तो वो वेक्टर अगर इसने बोला है बोथ बी एंड सी, तो आप इसको बी और सी भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे बी और सी आ जाएगा। ठीक है जी, बी क्रॉस सी। ठीक है, तो जो ए वेक्टर है वो यहाँ हो सकता है इसके पैरेलल बी क्रॉस सी के, क्योंकि इसके पैरेलल कोई भी वेक्टर होगा वो हमेशा बी और सी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इसीलिए ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी हो जाएगा। ठीक है, पैदा की कंडीशन क्या होती है, एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा मल्टीपल होता है। ठीक है, अब ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी क्रॉस सी आ गया। अब यहां से अगर आप मैग्नीट्यूड लोगे इसका तो आएगा लैम्डा मॉडुलस और बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ए के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 है, लैम्डा मॉडुलस, बी क्रॉस सी का जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो आएगा बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड और साइन, बी और सी के बीच का एंगल कितना है हमारा, बी और सी के बीच का एंगल है पाई बाय सिक्स, आएगा साइन पाई बाय सिक्स, तो आएगा 1 इज इक्वल टू लैम्डा मोड, बी और सी का मैग्नीट्यूड 1 है, 1 और 1 और साइन 30 का मतलब हो गया 1 बाय 2, तो लैम्डा मोड इज इक्वल टू आ गया 2, लैम्डा ओपन होगा तो यहां से आएगा प्लस माइनस का 2, लैम्डा की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 2, लैम्डा को वापस यहां पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस का 2 और बी क्रॉस सी। ठीक है जी, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इसका।